सिरमौर जिला के गिरिपुल में बनी गौशाला में कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के चलते यहां रखे पशुओं पर भी भुखमरी का संकट मंडरा रहा है। आपको बता दें कि ये गौशाला एक संस्था द्वारा चलाई जा रही है जो जन सहयोग लेकर इन गायों का भरण पोषण करती थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते इन दिनों गौशाला तक धन राशि नहीं पहुंच पा रही है। अगर इसी तरह की स्थिति बनी रहती है तो जल्द ही ये गौवंश सड़कों पर आ जाएगा। गौशाला चला रही संस्था के प्रधान ने बताया कि लोगों के घरों व दुकानों तक पहुंचकर वे इस गौशाला के लिए धन एकत्रित करके इनके लिए तूड़ी आदि का प्रबंध करते हैं, मगर लॉकडाउन के चलते अब ये संभव नहीं हो पा रहा है और जल्द ही इनके खाने का भी संकट मंडराना शुरू हो जाएगा। ऐसे में प्रदेश सरकार स्थानीय प्रशासन व लोगों से इस गौशाला के लिए सहयोग की अपील करता है। हमारे लिए भी वही समस्या है, चारे की सबसे मुख्य समस्या जो चारे की आ रही है, क्योंकि पहले मार्केट में कलेक्शन करके कहीं ना कहीं से हम तूड़ी का चारे का कोई ना कोई प्रबंध कर लिया करते थे। अब समस्या बढ़ गई है क्योंकि सारी चीज़ें एकदम से बंद हो गई है। अभी लगभग 6-7 दिन की तूड़ी होगी जो इस वक्त हमारे पास स्टॉक है। अब अगर धन के अभाव में इससे अगर हमारे पास धन उपलब्ध हो पाता है तो फिर तूड़ी ले खरीद सकते हैं हम। अगर हम तूड़ी की लिए अमाउंट धन पैसे नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं तो फिर बिना पैसों के तूड़ी भी नहीं मिलेगी, तो फिर स्थिति कुछ और होगी। आने वाले समय में अगर चारे की पूर्ति नहीं हो पाई तो गौवंश को, क्योंकि ये सारे जितना भी गौवंश है ये सारा सड़कों का बेसहारा बीमार दुर्घटनाग्रस्त गौवंश है, तो इनके लिए चारे की पूर्ति करना बहुत मुश्किल भी हो जाएगा। और अब इनको भूखा भी नहीं रख सकते हैं ना गौशाला में, फिर तो एकमात्र विकल्प यही बचेगा कि इन सबको खोल दिया जाए। हिमाचल सरकार से, स्थानीय प्रशासन से और आप सब लोग जो इस पोस्ट को पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या देख रहे हैं कि जितना भी सहयोग हो सके, और ऐसा नहीं कि इस गौशाला के लिए, आप जहां पर भी इस पोस्ट को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, जितना भी सहयोग अपनी नज़दीकी गौशाला में जाकर करें।